जब उत्तर प्रदेश की सरकार करना चाहती है, उनका अच्छा करना चाहती है, उन्हें नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना चाहती है, उनकी जानकारी रखना चाहती है, उनकी क्या क्या कमियां हैं उनको दूर करना चाहती है, उसके लिए जवाब मैं देता हूँ। अनुरोध होता रहेगा, दीजिए पार्टी नेता इनको शांत कराइए, शांत हो जाए। देश का बंटवारा मुझे पता है, बोलने का है नहीं इनके पास, इनके पास बोलने का है नहीं। ऐसे आप लोगों की बात किसी को समझ में नहीं आएगी। अच्छी चुनी हुई सरकार के लिए, आदर्श सरकार के लिए ये उचित नहीं है। देखिए दूसरे इस तरीके से कार्य मत कीजिए। दुष्यंत जी, केवल समाज में नफरत घोल करके, हिंदू मुसलमान करा करके बार बार चुनाव जीतने का जो इस देश लगा रहे इस देश का हिंदू मुसलमान का बंटवारा किसने किया, बताएंगे? झूठ फरेब जालसाजी, वादा खिलाफी, नफरत। ओवैसी कह रहे हैं कि छोटा एनआरसी है ये, छोटे एनआरसी से तुलना करना बहुत तकलीफ दे होता है। ठीक है, आप समाज का लगातार जी आपके पास लौटेंगे। देश का बंटवारा किसने किया? अभी अभी दुष्यंत जी, अभी मैं एक हफ्ता केरल में रह के आया हूँ। 30 साल पहले केरल साक्षर था, वहाँ पे लूलू माल 15 साल पहले है। मैं वहाँ पे गया, शायद मैंने अपने 53 साल के जीवन में इतने सामान, इतने फल, इतनी सारी चीजें मैंने नहीं देखा होगा। और यहाँ लखनऊ में लूलू माल खुलता है और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करते हैं, और एक हफ्ते बाद में जिस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जाती है, नमाज पढ़ना कौन सा गुनाह होता है? जैसे हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को दस्त सजदा करते हैं, ऐसे नमाज में भी हमारे मुस्लिम भाई भगवान मंदिर करते हैं। आप इस पर कितनी नफरत कीजिए? केवल समाज में नफरत पैदा करके, केवल समाज में गुमराह करके आपको वोट की राजनीति करते हैं। इससे आपको छदम लाभ तो हो सकता है, लोग पूरे कंप्लीट समाज का उत्तर प्रदेश को आप बहुत ज्यादा पिछाड़िए मत। एक से एक हिंदुस्तान में प्रदेश जो है विकास के नए नए सोपान कीर्तिमान स्थापित करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है, जो हालात है, जनता ने आपको स्वाति जी देखिए, अभी इन्होंने दुष्यंत भाई ने एक बहुत अच्छी बात